नमस्ते बच्चों, डीएवी मॉइल पब्लिक स्कूल ई लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका अंजलि राघोरते। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा चौथी की भाषा अभ्यास पुस्तिका से कविता 17 कोयल इसका भाग एक हल करने जा रहे हैं। आशा करती हूँ कि आपको आज जितने भी प्रश्न समझाए जाएंगे आप उन्हें योग्य प्रकार से समझेंगे और अपनी भाषा अभ्यास पुस्तिका में हल भी करेंगे। आइए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। प्रश्न पहला है, पाठ कोयल में से कोई चार संज्ञा शब्द चुनकर लिखिए। प्यारे बच्चों, पिछली ई कक्षा में संज्ञा से संबंधित वीडियो हमने आपके लिए बनाया था जिससे आप भलीभांति परिचित हैं। आप ये जानते हैं ना कि संज्ञा शब्द का अर्थ है नाम वाले शब्द। आइए फिर से एक बार समझ लीजिए कि संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा, संज्ञा का अर्थ है नाम। किसी वस्तु, प्राणी, स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे कविता कोयल में से कुछ संज्ञा शब्द हमने यहाँ नीचे लिखे हैं। कोयल, मिश्री, धरती, मेघों, माँ, चिड़िया, रानी। इन शब्दों में से कोई भी चार शब्द आप खाली जगह में लिख लीजिए। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, पाठ कोयल में से कोई चार क्रिया शब्द छांटकर लिखिए। बच्चों, क्रिया शब्द यानी काम वाले शब्द, इससे भी आप भली भांति परिचित है। फिर भी एक बार, क्रिया किसे कहते हैं? आइए मैं आपको समझा देती हूँ। क्रिया, क्रिया का अर्थ है किसी काम को करना। किसी काम के करने या होने का बोध कराने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। कविता कोयल में जो क्रिया शब्द थे उन्हें हमने पहले से ही नीचे लिख लिए हैं। वे शब्द जो इस प्रकार हैं, घोली, मांगती, सिखलाई, उड़ना, गाना, बताया है और कहलाती। बच्चों, ये सभी क्रिया शब्द हैं। जैसा कि अभी आपने पढ़ा कि क्रिया का अर्थ है किसी काम को करना। अब यहाँ पर है घोली, तो ये कोई काम ही है। इसका अर्थ है घोलना, मांगती, इसका अर्थ है किसी से कुछ मांगना, सिखलाई यानी किसी को सिखाना, उड़ना, गाना, बताया है किसी को कुछ बताना और कहलाती, है ना। तो ये सारे क्रिया शब्द है, काम वाले शब्द है। इनमें से कोई भी चार शब्द आप छांटिए और खाली जगह पर लिखिए। ये सभी क्रिया शब्द है, कोई भी चार शब्द आप इसमें से लिख सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, नीचे लिखे शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। बच्चों, यहाँ पर चार शब्द दिए हैं, सच, दिन, मीठी और बहुत। इनके विलोम शब्द यानी उल्टे शब्द, विपरीत अर्थ वाले शब्द आपको खाली जगह में लिखने हैं। आइए हम इसे मिलकर हल करते हैं। इस प्रकार,
जो चार शब्द दिए हैं वे इस प्रकार है, सच, दिन, मीठी और बहुत। सच का विलोम शब्द होगा झूठ, दिन का रात, मीठी का कड़वी और बहुत का थोड़ा। है ना आसान? तो चलिए जल्दी से इन प्रश्नों को अपनी भाषा अभ्यास पुस्तिका में हल कर लीजिए। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न चौथा है, नीचे लिखे शब्दों के लिए उचित विशेषण शब्द लिखिए। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं ना विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण शब्द कहते हैं। यहाँ नीचे जितने भी शब्द दिए हैं, बादल, पानी, माँ, चिड़िया, ये सभी संज्ञा शब्द है। इन संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण शब्द कहेंगे। तो इनके लिए विशेषण शब्द हमें लिखने हैं। अब देखिए, पहला संज्ञा शब्द है बादल। बादल की क्या विशेषता है? कि वे काले होते हैं, घने होते हैं, सफ़ेद होते हैं। इतनी सारी विशेषताएं हैं, इनमें से केवल एक शब्द हमें लिखना है। उसी प्रकार पानी, माँ, चिड़िया, इनके भी विशेषता युक्त शब्द यानी विशेषण शब्द हमें यहाँ पर लिखने हैं। आइए हम इसे हल करते हैं। इस प्रकार देखिए कितना आसान है, हमने हर संज्ञा शब्द के लिए दो दो विशेषण शब्द लिखे हैं। आप इनके अलावा दूसरे भी शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन शब्द वही होने चाहिए जो विशेषण वाले हो। देखिए बादल, बादल की क्या विशेषता है? कि वह घने होते हैं, काले भी होते हैं। पानी, कैसा हो सकता है पानी? वह मैला भी हो सकता है या फिर स्वच्छ भी हो सकता है। माँ, सुंदर, प्यारी। और चिड़िया, नन्ही, छोटी। है ना आसान? आइए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है पांचवा, नीचे दिए गए शब्दों के वचन बदल कर लिखिए। बच्चों, यहाँ पर जो शब्द दिए हैं वे या तो अपने एकवचन रूप में हैं या तो बहुवचन रूप में हैं। जो शब्द एकवचन रूप में हैं उन्हें बदलकर बहुवचन बनाना है, और जो बहुवचन रूप में हैं उन्हें बदलकर एकवचन बनाना है। तो देखिए, क है घर में। घर में यह एक वचन शब्द है, इसे बदलेंगे हम बहुवचन में। दूसरा शब्द है महल में। महल में यह एक वचन शब्द है, इसे भी हम बदलेंगे बहुवचन में। आगे है ग, पक्षियों को। यह बहुवचन शब्द है क्योंकि यहाँ पर अनेक पक्षियों की बात हो रही है, इसलिए यह है बहुवचन शब्द, इसे हम बदलेंगे एक वचन में। अगला शब्द है हाथियों ने। यहाँ पर भी एक नहीं बल्कि कई हाथियों की बात हो रही है, संख्या नहीं पता, तो पांच भी हो सकते हैं, दस भी हो सकते हैं। तो यह शब्द भी है बहुवचन शब्द, जिसे हम बदलेंगे एक वचन में। तो आइए हम इसे मिलकर हल करते हैं। इस प्रकार आइए बारी बारी पढ़ते हैं। अब घर में, घरों में, महल में,
महलों में, पक्षियों को, पक्षी को, हाथियों ने, हाथी ने, है ना आसान? तो चलिए देर किस बात की, जल्दी से अपनी भाषा अभ्यास पुस्तिका में इन सभी प्रश्नों को आप हल कर लीजिए। आइए एक नज़र आज के गृह कार्य पर। आज का गृह कार्य है प्रश्न पहला, नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। आपको नीचे कुछ शब्द दिए हैं, इनके विपरीत अर्थ वाले शब्द, उल्टे शब्द यानी विलोम शब्द आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। बच्चों एकदम आसान सा गृह कार्य है, मुझे विश्वास है आप इसे तुरंत पूरा कर लेंगे। इसी आशा के साथ हम फिर मिलेंगे अगली ई कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।